हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर वेंसडे और हर वीकेंड पे आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। जो आज का हमारा वीडियो है वो टोटली जैसलमेर सिटी पे बेस है, जो कि राजस्थान में है। तो अगर आप इस कोरोना सिचुएशन के बाद राजस्थान जैसलमेर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दिए हैं कि आप कौन कौन सी प्लेसेस पे घूमने जा सकते हैं, आपको कितना पैसा लगेगा इस ट्रिप को प्लान करने के लिए, कितना टाइम लगेगा, कैसे जा सकते हैं आप पर्टिकुलर उस प्लेस पे और कितने दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में दी है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ये सारी डिटेल्स लेने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से सिटी से जा रहे हैं और आपको कैसे जाना है। तो जैसे कि मैं बैंगलोर से गई थी और वहां पे सिर्फ दो ही एयरपोर्ट है, एक है जयपुर में और एक है जोधपुर में। मुझे पूरा राजस्थान कवर करना था, इसीलिए मैंने पहले जयपुर में लैंड किया, मतलब मैंने जयपुर तक की टिकट कराए। उसके बाद जयपुर से उदयपुर में बस से गई, उसके बाद फिर उदयपुर से जैसलमेर में फिर से बस से गई। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है कि हम वहां पे कितने दिन का स्टे करना चाहते हैं। तो अगर आपको हर चीज बहुत आराम आराम से कवर करनी है तो आपको 3 दिन का टाइम चाहिए। और उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि हमें कितने पैसे लगेंगे सिर्फ जैसलमेर का ट्रिप प्लान करने के लिए। तो देखिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पे जैसलमेर में डेजर्ट सफारी भी होती है और डेजर्ट सफारी में प्राइजेस के वेरिएशन होते हैं कि आपको कौन सा पैकेज चाहिए। तो अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में इस डेजर्ट पर्टिकुलर डेजर्ट सफारी के बारे में बताएंगे तो उसमें हम आपको सारी डिटेल देंगे कि हमें कहाँ पे कितने पैसे लगे और हर दिन हर प्लेस घूमने में हमें कितने पैसे लगे। तो नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है कि अब हमें होटल बुक करना है। तो अगर आपको पहले से पता है कि आप जैसलमेर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज होटल पहले से बुक करके रखिए, लाइक 1 मंथ और 2 मंथ पहले से होटल बुक करके रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको होटल की कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी, मींस आपको 1000 से 2000 के बीच में ही होटल की कॉस्ट पड़ेगी, जो कि लिटरली बहुत कम है। बट अगर आप वहां जाके होटल बुक करेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई भी हो जाता है, कभी कभी 5000 तक पहुंच जाता है। टोटली डिपेंड की कितनी अवेलेबिलिटी है उनके पास। उसके बाद आप आइदर जयपुर से जाएं, आइदर जोधपुर से जाएं, आपको बस से जैसलमेर तक जाना पड़ेगा। और जब आप वहां के बस स्टैंड पे उतरेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे जितने भी लोकल ड्राइवर्स होंगे जीप और ऑटोज के, वो आपको चारों तरफ से घेर लेंगे। उसके बाद वो बोलेंगे हम आपको लेके चलते हैं आपके होटल, हम आपको लेके चलते हैं आपके होटल। बट वहां पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना है और वहां पे आप उनसे बोल दो कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं खुद से हम खुद से चले जाएंगे। और उसके बाद बस आप 5 मिनट की वॉक करो वहां से थोड़ी दूरी पे और आप देखोगे लोकल ऑटोज और टेम्पो वहां पे चल रहे हैं। फिर आप उनसे बोलो कि मुझे मेरे होटल तक ड्रॉप कर दो, और वहां पे जाके आप होटल के रिसेप्शन वाले से बात कर सकते हो कि हमें एक दिन की गाड़ी का पैकेज चाहिए या हमें यहाँ पे घूमने जाना है, क्योंकि वो लोग आपको ज्यादा बेटर आइडिया देंगे। और बस स्टॉप पे क्या होता है कि वो लोग बस अपने प्रॉफिट में रहते हैं। तो ये एक एडवाइस है मेरी कि आप जब भी वहां जाओ आप इमिडिएटली बुक ना करो अपने होटल के लिए बस स्टैंड से डायरेक्टली, आप थोड़ा सा आगे वॉक कर दो, 5 मिनट थोड़ा सा चल लो, उसके बाद आप अपने होटल के लिए ऑटो या कैब जो भी बुक करना चाहते हो वो बुक कर लो। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें जैसलमेर में कितने दिन का स्टे करना होगा सारी जगह कवर करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको 3 डेज तो जैसलमेर में रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला दिन तो सिर्फ जैसलमेर सिटी कवर करने में ही लग जाएगा, जिसमें कि फोर्ट है, हवेली है, लेक है, लोकल मार्केट्स है। और प्लीज गाइज, लोकल मार्केट्स नहीं मिस करिएगा राजस्थान में, क्योंकि आपको अगर आपके घर में कोई भी लड़की है या आपकी मम्मी है या कोई भी, उनके लिए शॉपिंग के लिए वो बेस्ट प्लेस है। तो फर्स्ट डे तो हो गया हमारा टोटल पूरा जैसलमेर सिटी। अब सेकेंड डे हम जाएंगे डेजर्ट। डेजर्ट जाने के लिए आपको कैब बुक करनी, क्योंकि डेजर्ट जैसलमेर से 50 किलोमीटर दूर है। तो जब आप कैब बुक करेंगे आप उस कैब वाले से ही बात कर लेंगे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको वो डेजर्ट से पिक कर ले। तो सेकेंड डे तो आपका डेजर्ट स्टे हो गया, और डेजर्ट में वो टेंट स्टे देंगे तो आपकी नाइट भी वहीं पे हो जाएगी।
अब आता है थर्ड डे। तो थर्ड डे आपने अपने कैब वाले से ऑलरेडी बात करके रखी हुई है कि वो आपको थर्ड डे आके मॉर्निंग में पिक कर ले। आप उसी कैब वाले से बोल सकते हो कि रास्ते में जो भी जगह पड़े घूमने वाली आपको वो वहां लेके चले। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दो प्लेसेस ऐसी हैं जिसमें कि एक है जैसलमेर वार म्यूजियम और एक है बड़ा बाग, जो कि जैसलमेर से 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये प्लेसेस अगर आप वापस आते वक्त ही कवर कर लेंगे तो फिर से आपको जैसलमेर से कैब बुक करके फिर से नहीं जाना पड़ेगा। ये प्लेसेस आपकी वापस आते वक्त ही कवर हो जाएंगी। और फिर मेरे अकॉर्डिंग आपको जैसलमेर में सिर्फ एक दिन का होटल स्टे लेना पड़ेगा, वो भी जब फर्स्ट दिन जब आप जैसलमेर में लैंड करेंगे और जैसलमेर सिटी घूमेंगे उस दिन ही सिर्फ आपको होटल स्टे लेना पड़ेगा। सेकेंड डे तो आप टेंट स्टे कर रहे हैं और थर्ड डे तो आपने सारी जगह वापस आते वक्त ही कवर कर ली। बट स्टिल अगर आपको रेस्ट करना है कहीं और जाने से पहले या अपनी सिटी में वापस आने से पहले तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड बुक अ होटल। बट फॉर मी इट्स लाइक आई थिंक एक दिन का होटल बुकिंग ही एनफ है। तो जो सबसे पहले दिन सबसे फर्स्ट प्लेस है घूमने के लिए वो है जैसलमेर फोर्ट, जो कि राजा जैसल ने बनाई थी। और इस फोर्ट को गोल्डन फोर्ट और सुनार किला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फोर्ट है वो येलो स्टोन से बना है, तो जब भी सूरज की रोशनी उस फोर्ट पे पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकने लगता है, इसीलिए इसे द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं और सुनार किला भी कहते हैं। तो जब आप फोर्ट में अंदर घुसना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी शॉप्स अगल बगल है। तो मेरा सजेशन है कि आप जाते टाइम शॉपिंग ना करो, वापस आते टाइम शॉपिंग कर लेना, क्योंकि आपको अंदर जाने में भी 5 to 10 minutes लगेगा। और अगर आप रस्ते में देखोगे तो वो जो लोकल फोक सॉन्ग्स गाने वाले होते हैं ना वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो आप उनके संग जाके फोटोज ले सकते हो, वीडियोज ले सकते हो अगर आपको वो सुनने में इंटरेस्ट है। तो उसके बाद जब आप ऊपर जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे एक प्लेस है जिसके सामने एक म्यूजियम टाइप है और एक गली गई है, गली में कुछ नॉर्मल शॉप्स लगी हुई है। तो जब आप म्यूजियम के अंदर जाओगे वहां पे कुछ चार्जेस लगते हैं। तो उसके बाद आप जाके अंदर म्यूजियम में क्या देख सकते हो कि राजा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन्होंने कुछ कुछ चीजें स्टोर करके रखी हुई है, तो आप वो देख सकते हो हेरिटेज से रिलेटेड चीजें। और जो सेकंड उसके बगल में जो गली है उस गली में गाइस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दो शॉप्स है जिसमें कुछ शॉल टाइप या कुछ पर्स एंड एक्सेसरीज वाली चीजें मिल रही हैं, अदरवाइज उसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा जाने वाला। लोकल वहां पे लोकल रहने वालों के घर हैं और एक दो शॉप्स हैं। उसके बाद फिर जब आप वापस आओगे ये सारी चीजें देख के, तब आप वापस आते वक्त शॉपिंग करना ना भूलना, क्योंकि वहां पे जो एक्सेसरीज मिलती है वो बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे मिलती है। तो वो आपको उतना अच्छा रेट कहीं भी नहीं मिलेगा। लाइक राजस्थान के एक दो प्लेसेस ऐसे हैं जिसमें डेफिनेटली आप ये सारी शॉपिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट प्लेस आपकी ये कवर हो गई। सेकेंड प्लेस वो है पटवन की हवेली। पटवन की हवेली पहली हवेली थी जैसलमेर में। ये टोटल 7 फ्लोर की है और ये भी येलो स्टोन से ही बनी है। पटवन की हवेली के जब आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर 5 और हवेली है। तो जो 5 हवेली है वो गुमा चंद ने अपने 5 बेटों के लिए बनाई थी और इस हवेली को बनाने में अप्रोक्स 50 ईयर्स लग गए थे गाइस। उसके बाद जब आप ये सारी हवेली कवर कर लेंगे, और हर हवेली के अंदर जाने के लिए सेपरेट चार्जेस हैं, तो अगर आपको अंदर जाना हो तो डेफिनेटली आप वो चार्ज पे करिए और आप अंदर चले जाइए। अदरवाइज जो पटवन की हवेली का जो मेन एरिया है वहां पे भी बहुत अच्छा व्यू है। आपको लगेगा ये कि नहीं कि ऐसी भी कोई प्लेस है इंडिया में, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है वो। और जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कुछ ऐसी शॉप्स है
तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग राजस्थानी पगड़ी लेते हैं और उस पगड़ी के कुछ चार्ज होते हैं, आप वो पगड़ी लो और फोटो सेशन करा लो। जैसे कि मैंने तो बहुत सारे फोटो सेशन कराए, तो आप वो पगड़ी परमानेंटली भी खरीद सकते हो अगर आपको वो पगड़ी अच्छी लगी, और अगर आपको और फोटोज लेनी है कुछ अपने पर्सनल तरीके से तो आप पगड़ी ले सकते हो। और बहुत सारी वैरायटी ऑफ वो सारी पगड़ी थी, तो आप कोई भी पगड़ी ले सकते हो। और वहां पे लोकल फिर अगेन आपको फोक गाने वाले भी मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो उनको पैसे भी दे सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको उन्हें पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, फोटो सेशन कराना है या नहीं कराना है, म्यूजियम के अंदर जाना है या नहीं जाना है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्लेस कवर। थर्ड प्लेस है वो है सलीम सिंह की हवेली, और ये हवेली 300 साल पुरानी है। और गाइस जब आप उस हवेली में एंटर करोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये हवेली 300 साल पुरानी है। तो जब आप उस ये जो हवेली है ये इंडिपेंडेंट है अभी तक इसे गवर्नमेंट ने ओन नहीं किया है और उसके खुद के एंसेस्टर्स वहां पे रहते हैं। तो जब आप उस हवेली में एंटर करोगे तो आप देखोगे दो लोग वहां पे हैं, एक गाइड है और एक आपकी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आप गाइड जरूर ले लेना, क्योंकि वो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा कि वो हवेली किस यूज में आती थी और हवेली क्यों इतनी ज्यादा फेमस थी। तो जब आप हवेली में एंटर करोगे तो वो आपको थोड़े पतले से रास्ते से ले जाएगा जो कि स्टेयर्स वाले रास्ते हैं, और उसके बाद फिर वो आपको बताएगा कि यहाँ पे जो व्यापारी थे वो व्यापारी आते थे और वहां पे लेन देन के जो काम थे वो होते थे। और जब आप उसके टॉप फ्लोर पे जाओगे तो आप देखोगे वहां पे एक जगह है जहां पे ऐसी डिजाइन बनी हुई है बिल्डिंग के आउटसाइड कि वो आपको थोड़ी पीकॉक वाली फीलिंग देता था, और उसमें ऐसे फ्लावर्स बने हुए हैं कि जब सुबह होती थी तो जो सूरज की रोशनी थी वो उस पर इतनी अच्छी तरह से पड़ती थी कि उसका जो रिफ्लेक्शन आता था वो बहुत ही अच्छा आता था। और जब हम उस सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे गए तो हमें समझ में आया कि ये 300 साल पुरानी बिल्डिंग है, क्योंकि वो हर जगह से ऐसा लग रहा था कि अभी टूट के गिर जाएगी। इसलिए वो आपको ज्यादा साइड में नहीं जाने देंगे, वो बोलेंगे सिर्फ आप बीच में रहो। और उसके जब एकदम ही जो टॉप वाला फ्लोर है, लाइक सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर तो फिर भी थोड़ा ओके है, आप हर जगह इजिली घूम के देख सकते हो। बट उसके ऊपर एक बहुत ही छोटा सा प्लेस है जो कि थोड़ा शीशे से डेकोरेटेड है, और वहां पे और उस तरह के लोटस टाइप के डिजाइन वाले आपको नक्काशी दिख जाएगी। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगेंगी आपको देखने में। और उसी के फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम ऐसा भी है जहाँ पे थोड़ी पुरानी चीजें भी रखी हुई हैं जो तब के टाइम में यूज होती थी, जिसमें कि मोहर और ये सब चीजें इंक्लूडेड हैं। तो आपकी थर्ड प्लेस ये कवर हो गई। पहले दिन की लास्ट प्लेस जो कि है गड़ीसर लेक, जो कि महारावल गड़ीसी ने बनवाया था। और जब आप उस लेक के पास जाओगे तो आप देखोगे कि जो लेक है वो छोटे छोटे टेंपल्स और गुंबद से कवर है, लाइक उसके अगल बगल छोटे छोटे टेंपल्स और गुंबद बने हुए हैं। और वहां पे एक ऐसी जगह है जहां पे वैरायटी ऑफ बर्ड्स मिलेगी, तो अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो तो बेस्ट प्लेस है। लाइक आप उन गुंबद के अंदर भी फोटोग्राफी कर सकते हो, उन चिड़िया या उन बर्ड्स की भी फोटो क्लिक कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा सीन है। लेक है और खूब सारी बर्ड्स है और वो कभी कभी उड़ती है तो वो और अच्छा व्यू आ जाता है। तो ये टोटली आपके लक पे डिपेंड करता है कि आप जाओ और वो वहां पे हैं और सही टाइम पे उड़ रही हैं या नहीं। तो ये सब आप कर सकते हो। उसके बाद जब आप पूरा लेक पे घूम लोगे, वहां पे फोटो सेशन कर लोगे, फिर आप बाहर आते हो। जब आप बाहर आओगे तो आप देखोगे कि वहां पे कुछ ऐसी शॉप्स भी हैं जो आपको टोटल राजस्थानी अटायर दे रही हैं, लाइक पूरी ज्वेलरी, पूरा ड्रेस, सब कुछ, और उसके बाद आप फोटो क्लिक करा सकते हो।
तो मेरा सजेशन तो ये है गाइस कि अगर आप राजस्थान गए और आपने राजस्थानी ड्रेस पहन के फोटो नहीं खिंचवाई तो क्या कराया, क्योंकि ये तो बनता ही है। आप जिस भी जगह जा रहे हो वहां का एक ट्रेडिशन तो आपको फॉलो करना ही पड़ता है, तो हमने भी किया था एज यूजुअल। बट मेरी एक एडवाइस है लड़कियों के लिए स्पेशली कि जब भी आप डिसाइड करो कि ओके आज हमें ये फोटो शूट कराना है, प्लीज कोई फुल स्लीव्स का टॉप मत पहनना, क्योंकि आपको बाहर ही कपड़े बदलने होते हैं। लाइक आपको बाहर ही खड़े खड़े वो ब्लाउज पहनना होता है और वो घाघरा पहनना होता है। लड़कों के लिए मोस्टली इजी होता है क्योंकि उन्हें तो सिर्फ एक कुर्ता डालना होता है और धोती पहननी होती है और पगड़ी लगानी होती है। बट लड़कियों के लिए क्या होता है, जो उनके ब्लाउज होते हैं वो 3/4 स्लीव्स के होते हैं, तो अगर आप फुल स्लीव्स का टॉप पहने होंगे तो वो कवर नहीं होगा, और फिर जब आप फोटो सेशन कराओगे तो आइदर आपको अपने दुपट्टे से पूरा छुपाना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप माइंड में रखना है कि आप हाफ स्लीव्स का टॉप पहन के जाओ तो आपकी फोटोज ज्यादा अच्छी आएंगी। फिर जैसा कि मैंने बताया कि वहां पे अगल बगल छोटे छोटे गुंबद हैं, वो आपको ड्रेसअप कराएंगे, आपको पूरी ज्वेलरी पहनाएंगे, लहंगा आप खुद सेलेक्ट करो। तो एक और एडवाइस है यहाँ पे कि आप थोड़ा देख के जाना कि कौन सी शॉप पे अच्छे लहंगे हैं, क्योंकि कहीं कहीं वो मुझे बहुत गंदे से लग रहे थे, इसलिए हमें शॉप डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लगा कि कहाँ पे थोड़े साफ और हाइजीन लहंगे हैं और थोड़ी अच्छे डिजाइन भी है उनकी, क्योंकि ये आपको मोस्टली थोड़ी ज्यादा प्लेसेस पे दिख जाएगी। बट ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि कौन सा अच्छा है और कौन सा थोड़ा हाइजीनिक लग रहा है। तो उसके बाद आप जब फोटो सेशन कराओगे वो आपकी तब तक फोटो क्लिक करेगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे कि ओके हम अब खुश हैं अपनी फोटो से। वो आपको एक मटका टाइप देगा, उसके साथ आपको एक दो पोज कराएगा। फिर अगर आप चाहो तो वो आपको हार्ड कॉपी भी दे सकता है, आप चाहो तो सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हो, अप टू यू। तो यहाँ पे जब आपने फोटो सेशन एंड ऑल सब कुछ करा लिया, वहां पे भी अगेन शॉपिंग मार्केट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लोकल शॉप्स और ये फोटो और वो लोकल फोक सॉन्ग्स गाने वाले, ये ना आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो आप ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो शॉपिंग के लिए। बट अगर आपको करनी है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड और आप करो शॉपिंग आपको जितनी भी करनी है, क्योंकि ये आपकी लास्ट डेस्टिनेशन थी फर्स्ट डे के लिए। इसके बाद चार जगह घूमने के बाद मुझे पता है हर कोई थक गया होगा और फिर वो होटल जाके आराम ही करना चाहता होगा। तो आप इसके बाद होटल जाइए, आराम करिए, फिर डिनर करिए और सो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको डेजर्ट के लिए रेडी होना है और वो पूरे दिन का एक टास्क है, तो आपको फ्रेश रहना पड़ेगा। तो आज की ट्रिप, फर्स्ट डे की ट्रिप यहीं एंड होती है। डेजर्ट ही जाना है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि डेजर्ट जैसलमेर से 50 किलोमीटर दूर है, और अगर आप कोई कैब बुक करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 1600 या 1700 लेगी। तो हमें वहां पे एक कैब टाइप मिल गया था, तो उसने हमसे टोटल 1500 लिए थे। आपको थोड़ा निगोशिएट करना पड़ेगा कैब वाले से कि वो थोड़ा कम चार्जेस ले, तो फिर उसके बाद आप कैब बुक करके डेजर्ट तक जा सकते हो। डेजर्ट पहुंचने के टाइमिंग्स हैं और ये टाइमिंग आपको क्यों ध्यान में देने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको प्री बुक करना पड़ेगा टेंट स्टे। लाइक आप प्लान कर रहे हो कि आपको नेक्स्ट मंथ घूमने जाना है राजस्थान और आपको टेंट स्टे करना ही करना है, तो आप चेक करिए कि कौन सबसे अच्छा टेंट स्टे प्रोवाइड कर रहा है और सबसे अच्छे में क्या क्या आता है, कि वो आपको फूड दे रहा है, वो आपका अच्छा टेंट स्टे दे रहा है, रात में डीजे सिस्टम है, वहां पे फोक डांस होगा, ब्रेकफास्ट अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। और ये जो पैकेजेस हैं वो मेक माई ट्रिप, त्रिलोफिया कहीं भी आपको मिल जाएंगे। हमने त्रिलोफिया से बुक किया था क्योंकि हमें उसका पैकेज सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, और जो इसका कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 पड़ जाता है। और बेसिकली हम न्यू ईयर में गए थे तो हमारे लिए थोड़ा सा और कॉस्टली पड़ा था, मे बी वो ऑफ सीजन के टाइम पे कुछ 2000 या 2500 हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट।
बट हमें 3000 पड़ा था पर पर्सन। तो जब आप कैब बुक करके जब आप डेजर्ट पहुंचोगे तो अगर आप 4 o'clock टाइम पे नहीं पहुंचोगे ना तो पता है क्या होगा, वो बोलेंगे आपसे कि मैडम अभी सारे कैमल राइड्स और जीप राइड्स बुक हो चुके हैं और कोई भी कैमल राइड और जीप राइड अवेलेबल नहीं है, तो आप आज शाम को आपको सिर्फ नॉर्मली डेजर्ट घूमना होगा और नेक्स्ट डे हम आपको कैमल या जीप राइड करेंगे। इसीलिए ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप एग्जैक्ट 4 बजे वहां पहुंच जाओ, क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ होती है और बहुत लंबा लंबा क्यू होता है कैमल राइड और जीप सफारी के लिए। और प्लीज आप कैमल राइड या जीप सफारी मिस मत करिएगा, क्योंकि कैमल राइड में आपको इतना ज्यादा मजा आएगा। आप पहले तो क्या होता है कि जो आपका टेंट स्टे होगा ना उनके संग कभी कभी पैकेज होता है कि इतने पैकेज में वो कैमल राइड भी इंक्लूड कर रहे हैं, जीप सफारी भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमारे पैकेज में कैमल राइड इंक्लूडेड था, जीप सफारी इंक्लूडेड नहीं था। तो हमने बोला ओके हम कैमल राइड करते हैं फर्स्ट डे। तो जैसे कि जब वो शाम का टाइम हो रहा था कुछ 5 बज रहे थे, तो 5 बजे जब हम कैमल राइड के लिए गए तो जब आप कैमल राइड के लिए जाओगे ना तो कैमल वाला जो चलाता है कैमल वो बोलेगा आपसे कि अगर आपको कुछ और आगे जाना है, जैसे कि वो बोलेंगे कि थार डेजर्ट लेके जा रहे हैं थार डेजर्ट, बट एग्जैक्टली वो थार डेजर्ट नहीं है, थार डेजर्ट से कुछ दूर था, लेकिन जब आप वहां जाओ वो आपसे बोलेंगे कि हम आपको वहां लेके जाएंगे और उसके हम कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वहां जाने के लिए तो डेफिनेटली पे करो और जाओ। हमने तो पे किया था और हम गए थे, क्योंकि वहां पे जो डेजर्ट थी ना वो इतनी स्मूथ थी, आप अपने कपड़ों पे डालो हाथ पे लो कहीं भी वो डेजर्ट चिपक नहीं रही थी, मतलब बहुत ही स्मूथ डेजर्ट थी। और वो कैमल के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर रहे थे, लाइक कैमल को उल्टा चलवा रहे थे, कैमल को पहाड़ पे लेके गए और वहां पे कैमल को खूब तेज दौड़ाते हुए वापस लेके आए। तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा बट बहुत मजा आएगा, लिटरली गाइस बहुत मजा आएगा। और अगर आप शाम को या आप सही टाइम पे पहुंच गए हो तो आप जीप सफारी भी उसी दिन कर सकते हो, और ये भी इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज कुछ भी मिस मत करिएगा, कैमल सफारी और जीप सफारी दोनों करिएगा अगर आप वहां पे गए हैं। और वो बेसिकली आपको फोर्स करेंगे कि प्लीज सुबह कर लीजिए, आप सुबह कर लीजिए, बट सुबह अगर आप ठंड के टाइम पे गए हो तो वहां पे इतनी ठंड होती है कि किसी के लिए सुबह उठना तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि हम 7 बजे आएंगे आपके डोर पे नॉक करेंगे और आपको टी देंगे, बट इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी कि कोई वो चाय पीने के लिए रेडी ही नहीं था। मतलब हमने बोला ठीक है हमें नहीं चाहिए चाय, हम डायरेक्ट ब्रेकफास्ट ही कर लेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आप सारी चीज शाम में ही कवर कर लेना, सुबह के लिए कुछ भी मत रखना। और अगर आप सुबह के लिए कुछ भी रखोगे तो आपको सुबह भी थोड़ा देर हो जाएगा और नेक्स्ट डे की ट्रिप में भी आपको थोड़ा देर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये भी चेक करना होगा अपने पैकेज में कि इनके पास नाइट के क्या अरेंजमेंट है। तो जो हमारा पैकेज था उसमें इन्होंने फोक डांस रखा था और डिनर रखा था और साइड में बार भी था। तो बार यू हैव टू पे, मतलब आपको जो भी खरीदना है आपको पे करना पड़ेगा, बट खाना फोक डांस और वो सारी चीजें सब फ्री थी। उस फोक डांस में एक लड़की होगी और 2-3 वो गाने वाले होंगे, 1-2 बजाने वाले होंगे, वो ढोलक और उनके डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपको भी देंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो बजाने के लिए। लाइक आई डोंट नो वो कैसे बजाते हैं, वो एक इस फिंगर में पकड़ते हैं, एक इस फिंगर में, और फिर उसको बजाते हैं। वो बहुत ही अच्छा मतलब फोक सेशन होता है पूरा। उसके बाद फिर क्या होता है वहां पे बॉन फायर भी होता है। उसके बाद फिर वो आपको उठाएंगे, आपको बोलेंगे आप आओ डांस करो, तो आप जाओ डांस करो, पूरी रात आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो। मतलब वो बहुत ही अच्छा पूरा नाइट स्टे हो जाएगा आपका। फिर आप वापस आओ जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ अब आप थक चुके हो, आपको वापस आना है। फिर आपका टेंट स्टे होता है, अगर आप ठंड के सीजन में गए हो तो वो आपको बहुत अच्छे से कंबल रजाई सब कुछ देंगे, हॉट वाटर देंगे, तो आपको वो सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप टेंट में स्टे करो, फिर अगले दिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो आएंगे 7 बजे नॉक करने के लिए कि आपकी चाय रेडी है, बट हम ठंड के मौसम में गए थे तो हम चाय पीने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। हमने बस हम डायरेक्ट उठे और फिर उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर हमने अपने कैब वाले को बुला लिया कि अब हम चलते हैं अपने थर्ड डे की डेस्टिनेशन पे कि हमें कहाँ कहाँ घूमना है थर्ड डे। तो ये हो गया टोटल हमारा सेकेंड डे का प्लान। We'll be right back.
इसको लग नहीं दिए क्या? चुभ नहीं रहा होगा। जैसलमेर के बीच में आती है। तो सबसे पहली जो हमारी जगह है वो है जैसलमेर वार म्यूजियम। जैसलमेर वार म्यूजियम 1965 में इंडो पाक के बीच जो वार हुआ था उसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी से जो भी हथियार जीते थे उन्हें उस वार में उस म्यूजियम में रखा है। तो जब आप उस म्यूजियम में जाओगे तो आप देखोगे वहां पे बहुत सारी टैंक है, बहुत सारी गन्स है, पिस्टल है, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। तो लिटरली वो देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपको थोड़ी पेट्रियोटिक फीलिंग आएगी। तो डेफिनेटली आपको वो जगह पे तो जाना ही चाहिए। और उसी में वार म्यूजियम के अंदर एक प्लेस है जहाँ पे छोटा सा थिएटर लगा हुआ है जहाँ पे उन्होंने 1965 के इंडो पाक वार की कुछ झलकियां दिखाई हैं, लाइक उसके कमांडर्स की और उसमें कौन कौन से सोल्जर्स थे उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये सब देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसमें अप्रोक्सीमेटली 1-2 आवर का टाइम लग जाएगा। उसके बाद आप जब आप ये कवर करोगे तो फिर उसके बाद आप सेकेंड डेस्टिनेशन के लिए मूव करोगे। जैसलमेर की लास्ट प्लेस यानी कि इस पूरे ट्रिप की लास्ट प्लेस वो है बड़ा बाग। सो बड़ा बाग में आप देखोगे कि वहां पे एक जयत सिंह की इमारत है और जयत सिंह से रिलेटेड वहां पे थोड़ी टॉम और 3-4 चीजें बनी हुई है। तो जब आप वहां पे जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि वहां पे आई थिंक 100 या आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट काउंट बट वहां पे ऐसे टॉम बने हुए हैं। तो फोटोग्राफी के लिए तो वो प्लेस बेस्ट है, मतलब बेस्ट एंड बेस्ट है क्योंकि वहां पे बहुत सारे टॉम बने हुए हैं और बहुत अच्छे से उनको डेकोरेट किया गया है। बेसिकली उस प्लेस पे सिर्फ टॉम ही टॉम है। तो बट घूमने के लिए वो बहुत अच्छी जगह है, फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। डेफिनेटली हम कभी आउटिंग पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी प्लेस है जहाँ पे हम अच्छी फोटोज क्लिक करा सकते हैं। तो ये थी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन जैसलमेर की। आप ये बड़ा बाग घूमिए, फोटो सेशन कराइए, उसके बाद आप वापस आ जाइए। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि वापस आके आप अपने होटल जा सकते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए और उसके बाद अपनी फ्लाइट, ट्रेन, बस जो भी आपको बोर्ड करनी है आप बोर्ड कर सकते हो। अदरवाइज आप एक दिन पूरा वहां स्टे कर सकते हो, उसके बाद अगले दिन आप निकल सकते हो अपने घर वापस आने के लिए या तो फिर किसी दूसरी सिटी के लिए। क्योंकि हमने वहां पे स्टे नहीं किया था, बेसिकली हमें दूसरी सिटी के लिए जाना था तो हमने वहां पे होटल लिया सिर्फ 1 घंटे के लिए, थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद हमने बस ले ली नेक्स्ट सिटी के लिए। तो इस ट्रिप में आपको लगभग 5,000 से 6,000 रुपीज लग जाएंगे जिसमें कि डेजर्ट भी इंक्लूडेड है और सारी प्लेसेस और सब जगह के म्यूजियम के चार्ज, टिकट, एवरीथिंग इंक्लूडेड है। बट इसमें फ्लाइट कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है जहां से भी आप आ रहे हैं, ये सिर्फ सिटी का चार्जेस है और डेजर्ट वाले चार्जेस इस सब में इंक्लूडेड है। तो ये थी मेरी पूरी जैसलमेर की ट्रिप सारी डिटेल्स के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।